हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, महतपुर गांव से दूर जंगल में एक गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत डरावनी शक्ल की थी। एक दिन वो कुछ गुब्बारे लेकर गांव में बेचने आती है और उसे देखकर बंटी खुश हो जाता है और ढूंढता हुआ उस गुब्बारे वाली के पास आता है। आंटी आंटी, ये गुब्बारे कितने का है? अरे, तुम्हारे लिए तो ये मुफ्त का है। सच में? मुझे इसके बदले कोई पैसे नहीं देने होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके बदले कोई पैसे नहीं देने। फिर वो औरत उस बच्चे को एक गुब्बारा पकड़ाकर चली जाती है। फिर वो अपने घर के पास गुब्बारे से खेलने लगता है। बंटी, तुम्हारे पास ये गुब्बारा कहाँ से आया? अरे माँ, गुब्बारे वाली ने मुझे मुफ्त में दिया है। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, भला कोई मुफ्त में क्यों देगा? सोचकर उसकी माँ अंदर चली जाती है और बच्चा गुब्बारे से खेलने लगता है। तभी गुब्बारा अचानक से उसे अपने साथ जमीन से ऊपर की ओर उठाने लगता है। अरे अरे, ये क्या, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ ऊपर कैसे उड़ा सकता है? फिर देखते ही देखते बंटी 20 फीट हवा में ऊपर उड़ जाता है। अरे, ये मैं इतने ऊपर कैसे आ गया? अब क्या करूं? आखिरकार ये गुब्बारा मुझे कैसे उड़ा सकता है? अब अगर इसकी रस्सी छोड़ी तो मेरी टांग टूट जाएगी, क्या करूं? माँ माँ, मुझे बचाओ। माँ माँ, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है। माँ, अरे कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते वो गुब्बारा उसे अपने साथ उड़ाकर दूर जंगल में ले जाता है। अरे बंटी कहाँ गया? अभी तो यही गुब्बारे के साथ खेल रहा था, यही कहीं होगा, आ जाएगा। जब शाम होने पर भी बंटी घर से नहीं लौटता तो उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी गांव वाले को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर अगले दिन होने पर वो गुब्बारे वाली औरत जंगल वाली गुफा से बाहर निकलती है और सीधा गाँव की ओर बढ़ जाती है। वहाँ उसे एक और बच्चा मिलता है, वो थोड़ा मोटा है। चुड़ैल उसे भी मुफ्त में गुब्बारा देकर चली जाती है। तभी देखते ही देखते वो भी हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है। ओए मम्मी, कमबख्त गुब्बारे ने मुझे हवा में ही उठा लिया, अब क्या करूं? यहाँ से नीचे गिरा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे माँ, मुझे बचाओ, जल्दी बाहर आओ। तभी टोलू की माँ घर से बाहर आती है और टोलू को हवा में उड़ता देख हैरान हो जाती है। अरे कमबख्त, वो हवा में कहाँ उड़ता फिर रहा है? वहाँ से नीचे गिरा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये गुब्बारा मुझे इतनी ऊपर उड़ा कर ले आया है, अब मैं नीचे कैसे आऊँ? तभी वो गुब्बारा उसे और हवा में ऊपर उठा लेता है। अरे कमबख्त गुब्बारे, मुझे नीचे उतार दे, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है, छोड़ मुझे। अरे अरे गाँव वालों, जल्दी बाहर आओ, देखो वो गुब्बारा मेरे बेटे को हवा में उड़ा कर ले जा रहा है, कोई उसकी मदद करो। टोलू की माँ की चीख पुकार सुनकर कुछ गाँव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सब ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, ये गुब्बारा तो टोलू को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। चलो भाइयों, हमें इसका पीछा करना होगा। जब बंटी की माँ को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो भी गांव वालों के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच कर उसे टोलू हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। टोलू की मम्मी, कल बंटी के साथ भी यही हुआ था, मेरे बेटा भी कल से लापता है। गाँव वाले उस गुब्बारा का पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में नदी आने के कारण वे लोग आगे नहीं जा पाते। टोलू टोलू, मेरे बेटे, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई उसकी मदद करो, गुब्बारा उसे जंगल की ओर ले जा रहा है, हे भगवान मेरे बेटे को बचाओ। सब गांव वाले हैरान परेशान होकर नदी के किनारे उस गुब्बारे को दूर जाता हुआ देखते रहते हैं और वो गुब्बारा बादलों में कहीं गायब हो जाता है और उड़ता उड़ता उस गुफा में चला जाता है। टोलू की मम्मी, कल बंटी के साथ भी यही हुआ था, मेरे बेटा भी कल से लापता है। आखिर ये माजरा क्या है भाई, आखिर ये गुब्बारे बच्चों को दे कौन रहा है, हमें पता लगाना होगा। फिर अगला दिन होने पर वो औरत फिर गांव में आती है और कुछ गांव वाले उसकी राह देख रहे होते हैं। तभी वे सब उसे घेर लेते हैं। क्यों रे गुब्बारे वाली, तेरे गुब्बारे की वजह से बच्चे गायब हो रहे हैं, बता कौन है तू? तभी एक गांव वाला उसके सारे गुब्बारे छीन लेता है और दो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गए रे, देखो ये तो चुड़ैल बन गई, हाय रे भागो। फिर वो गांव वाले उसे छोड़ देते हैं और तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बच गया रे, शुक्र है भगवान का वो चली गई। अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे गुब्बारे मुझे कहाँ उड़ा कर ले जा रहे हैं, अरे मर गया रे, अरे कमबख्त तो यूं ही देखते रहोगे कुछ करोगे भी, मर गया रे मर गया। गांव वाला एक रस्सी लेकर आता है और उसकी ओर फेंकता है।
एक गांव वाला झट से रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन तीन गांव वाले मिलकर भी उस रस्सी को नीचे की ओर नहीं खींच पाते और उसके साथ साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अरे मर गया रे, इसने तो हमें भी अपने साथ साथ हवा में उड़ा लिया। अब क्या होगा भाई? आए मम्मी बचाओ, आज मैं नहीं बचने वाला। अरे मर गया रे। अरे दोस्तों पकड़े रहना, कोई भी रस्सी मत छोड़ना। देखते ही देखते वो सारे हवा में बहुत ऊंचाई पे उड़ने लगते हैं। आई मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। उन गांव वालों की और चीख पुकार सुनकर कुछ और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखो, वो लोग तो गुब्बारे के साथ साथ हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब की बार हम इस गुब्बारे का पीछा करना ही होगा, तभी हम इसका रहस्य जान पाएंगे। अरे वो देखो, बंटी और टोलू तो यहीं पर हैं। अंकल जी हमें बचाओ, यहाँ एक चुड़ैल है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से निकालो। तभी उन गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो गुब्बारे वाली चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। अब बहुत सारे इंसान इकट्ठे हो गए हैं, यही सही वक्त है, मैं तुम सबकी एक साथ बलि दूंगी। अरे मर गए रे, ये तो हमारी बलि देने की बात कर रही है, अब क्या करें? चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगती है, तभी कुछ बाहर से आवाजें आती हैं। अरे भाई कोई है, मारो मारो मारो, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, मारो मारो मारो, आज ये बच कर नहीं जानी चाहिए, इसे जिंदा ही जला देंगे, आज इस चुड़ैल का आतंक खत्म करके ही रहेंगे। अरे वाह वाह भाइयों, लगता है गांव वाले हमारे पीछा करने में सफल हो गए हैं। ए चुड़ैल वही रुक, तुझे अभी बताते हैं। गांव वाले भी उस गुफा में घुस जाते हैं। चुड़ैल इतने सारे लोगों के हाथों में मशाल देखकर डर जाती है। अरे नहीं, तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? दूर रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल पीछे हटने लगती है और गांव वाले आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चुड़ैल उस आग की गर्मी से जलने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर वो सब लोग, गांव वाले उन बच्चों को वहां से आजाद करवा देते हैं और वापिस गांव की ओर चल देते हैं और इस तरह गुब्बारे वाले चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।